एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव और कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए अच्छी आदतों का निर्माण करना और बुरी आदतों से छुटकारा पाना सीखना दोनों ही महत्वपूर्ण कौशल हैं और कुछ ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए लाने के लिए कोई और आदतों का निर्माण खुद ही जिम्मेदार है और ये काम हमारे लिए कोई और करने में सक्षम भी नहीं है। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक, कवि और नाटककार सैमुअल जॉनसन ने कितनी जरूरी बात कितनी आसानी से कही है। आदत की जंजीरें इतनी कमजोर होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता और फिर एक दिन वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छी आदतों का विकास करने और बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ आसान और अचूक उपाय लेकर आज हम फिर हाजिर हैं अपनी नई किताब के साथ जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और आज की इस किताब के लेखक हैं दुनिया के जाने माने और लीडिंग एक्सपर्ट जेम्स क्लियर। कुछ बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से जानते हैं कि कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाए ताकि अपने जीवन में अच्छी आदतों को स्थान दे सके। देखिए, बड़ी आसान सी बात है। अपने आप के लिए आप अगले 5 सालों में 2 सिचुएशंस की कल्पना करें। सोचिए कि अगर आप हर दिन अपनी बुरी आदतों को दोहराते रहे तो आपका जीवन कैसा होगा, और वहीं अगर आप हर दिन अच्छी आदतों से चिपके रहते हैं तो 5 साल में आपका जीवन कैसा दिखेगा। हो सकता है कि आप दिन प्रतिदिन अपनी आदतों के प्रभावों को न पहचाने, लेकिन 5 साल के समय को देखते हुए ये जानना आसान है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसे हमें बनाती हैं या शायद बिगाड़ती हैं। और यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि बुरी आदतें समय को अपना दुश्मन बनाती हैं और अच्छी आदतें समय को अपना सहयोगी बनाती हैं। ये तो तय है कि हर रणनीति हर व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, इसलिए ये जान लेना भी जरूरी है कि आप उन्हीं आदतों पर अमल करें जो आपके लिए काम करने की संभावना रखती हैं, ताकि आपको अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े। लोगों की नजर में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे ना आपका वही नाम होता है, इसलिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से इसे आज और अभी बदल सकते हैं। अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए और नई आदत को बोझ मत समझिए। हर दिन नियम तय कीजिए, जो भी अच्छी आदतें बनाएं उन पर अमल कीजिए। 15 मिनट के लिए कीजिए, पर रोज कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन जो भी काम हो उसे आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वो किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं जब तक कि वो आदत में शुमार ना हो जाए। क्या आप फिट? द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आपने विशेष सर्कल के बारे में तो सुना ही होगा ना, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या को जन्म देता है, लेकिन दूसरी समस्या का समाधान पहली समस्या को फिर से वापस ले आता है। जैसे कि किसी तनाव के कारण आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखकर और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, या टीवी देख देख कर आप सुस्ता जाते हैं, फिर कुछ और ना कर पाने की हालत में और टीवी देखने लगते हैं। जी, इसी को कहते हैं विशेष सर्कल। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज चर्चा का विषय है सेल्फ कंट्रोल, जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स से। लेखक का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह लंबे समय तक काम नहीं करता। कुछ समय के लिए शायद ठीक है, पर दूर तक दिखने वाले परिणामों के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, क्योंकि हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खराब आदत को रोक सकते हैं, पर हमेशा के लिए उसे भूल जाना ये संभव नहीं है। और वैसे भी अगर जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों तो आप किसी संत की तरह शांत नहीं रह सकते। एक नेगेटिव माहौल में आप लगातार लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं बने रह सकते। तो इसके लिए सही यही होगा कि आप खराब आदत के संकेतों को ही जड़ से मिटाने की कोशिश करें। अगर आपके फोन की नोटिफिकेशंस के कारण बार बार ध्यान भंग हो रहा हो तो अच्छा है कि आप वो फोन थोड़ी देर के लिए अपने से दूर रख दें। या टीवी देखने में आधा समय बर्बाद कर रहे हो तो टीवी को बेडरूम से हटा दें और बस फर्क देखें।
ये अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ इसे स्पष्ट बनाने के बजाय हमने अपनी नजरों से ही इसे दूर कर दिया। यहाँ आप अपनी ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने या बदलने में लगा रहे हैं। विख्यात लेखक पौलो कोएलो कहते हैं, यदि आप अपने आप को जीत लेते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपना सारा ध्यान और सारी शक्ति खुद को जीतने में लगानी है। आइए अब जानते हैं कि अपनी इच्छित आदतों के साथ आवश्यक आदतें कैसे बनाएं। अगर आपको एक ही समय में अपना कोई एक से अधिक पसंदीदा काम करने को मिले, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि ये व्यवहार आपको आकर्षक लगने लगेगा। जैसे कुछ मजेदार गॉसिप भी सुननी है और एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये दोनों काम एक समय में भी किए जा सकते हैं ना। हेडफोन पर गॉसिप सुनते सुनते एक्सरसाइज करना और भी बढ़िया लगता है। या फिर सलों में बैठे बैठे पेडिक्योर करते समय अपने ईमेल्स चेक करना और उनका जवाब देना। एक्सपर्ट्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं। ये वो काम है जो आप अदरवाइज नहीं करना चाहते थे पर मौके को देखते हुए करते चले गए। इनमें गॉसिप सुनना आपकी इच्छा थी और एक्सरसाइज करना आपकी आवश्यकता, और पेडिक्योर करना भी आपकी इच्छा थी लेकिन मेल्स का रिप्लाई करना आवश्यकता। पर इन दोनों आदतों को एक साथ जोड़कर आपने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। आपने अपने आप को प्रलोभन भी दिया और पुरस्कार भी, यानी एक तीर से दो शिकार। तो देखा आपने, जरा सा प्रयोग करके आप भी इस तरह अपनी पसंद और जरूरत दोनों आदतों को क्रमबद्ध करके ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अपने लिए नियम खुद बनाए, जैसे कि आपको कोई गेम भी देखना है लेकिन आपको सेल्स का काम भी करना है, तो अपने लिए कुछ यूं नियम तय करें। मैं लंच तक कम से कम 3 सेल्स कॉल कर लूंगा और तभी लंच के बाद मैं गेम देखूंगा। या आपको सोशल मीडिया पर अपडेट करना है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, तो कुछ यूं नियम बनाएं कि मैं अपना फेसबुक फोटो चेंज करूंगी लेकिन उससे पहले कम से कम 10 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करूंगी। इस तरह जिस काम को करने की जरूरत है ना, उसके साथ साथ एक ऐसा काम भी हो जाएगा जिसे करने की इच्छा है। सोचिए, अगर आप अपने घर, अपने काम करने की जगह, अपने खेल कूद या एंजॉयमेंट के एरिया, इन सब जगहों पर इसी तरह अपनी जरूरत और पसंदीदा इन दोनों आदतों को जोड़ सके तो जीवन कितना आसान और सफल हो जाए, है ना। तो दोस्तों, ये सफर जारी रहेगा, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज, परिवार, दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ एक झुंड में बसने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी सभी तरह की अच्छी और बुरी आदतों को आकार देने में हमारे परिवारजन और मित्रों की बड़ी भूमिका होती है। आमतौर पर अपने माता पिता की अपेक्षाओं या साथियों के दबाव की वजह से हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के व्यू पॉइंट्स विकसित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। अच्छा, हमारे अंदर नेचुरली ही अपने माहौल के अनुकूल रहने की आदत होती है। हम अपनी आइडेंटिटी अपने आसपास के लोगों की आइडेंटिटी से जोड़कर रखना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह की मेंटल सिक्योरिटी जैसा काम करता है। बहुत पहले से हम इसी मानसिकता के साथ जीते आए हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज बात करते हैं परिवार और समाज द्वारा हम पर पड़ने वाले प्रभाव की। हमारे आम जीवन में उनका क्या रोल होता है और किस तरह हम चाहे अनचाहे उनसे इम्प्रेस्ड होते हैं या उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। खाने की मेज पर अपने दिन भर के कार्य की चर्चा करना, घर से दूर रहने पर नियम से अपने परिवार को फोन करना, या स्कूल कॉलेज से लौटकर पढ़ाई में मदद के लिए किसी मित्र को संदेश भेजना, ये सभी कॉन्टैक्ट और सोशलाइजिंग के तरीके माने जाते हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति काफी हद तक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। जितना अधिक हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम में अपने जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक आकार देने की संभावना बढ़ती है। यही भूमिका हम भी उनके जीवन में निभाते हैं। इसलिए जो लोग हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रभावक होते हैं वो अक्सर हमारे सबसे करीबी होते हैं, हमारे परिवार और मित्रजन। साथ ही जान लें कि हम अपनी आदतों को चुनते नहीं बल्कि अपने घर परिवार में चली आ रही आदतों की ही नकल करते हैं। ये हमारे दिमाग में बनी होती है।
समाज के बनाए अनकहे से नियम और कायदे हम बस फॉलो करते चले जाते हैं। पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, फिर उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी। ये एक ऑटोमेटिक सा सर्कल है जो आमतौर पर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसी कितनी ही बातें आदतों के रूप में हमारे अंदर ढल जाती हैं और हम बिना सोचे समझे या कोई सवाल किए ही इनका अनुसरण करते रहते हैं। और कितनी ही बार तो हमें ये सब बोझ भी नहीं लगता। हर कोई अपने समूह के अनुकूल रहना चाहता है। मसलन अगर आपके घर में सब किसी खेल को पसंद करते हैं ना, और आप भी उसे अच्छा खेलते हैं, तो अक्सर आपको इस बात पर शाबाशी और पुरस्कार मिलता है। ये आपको और अधिक प्रोत्साहित करता है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपका मनोबल बढ़ाता है। अगर आपके काम का क्षेत्र ऐसा है जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है, तो आप भी इस दिखावे में बिना दिमाग लगाए शामिल हो जाएंगे। और हाँ, अक्सर दोस्तों के साथ हम उन्हीं की जैसी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि सब एक दूसरे की बात को समझें, एक ही श्रेणी के लगें और कोई खुद को बाहर का महसूस ना करे, है ना? तो मेनली हम तीन तरह के समूह के साथ रहते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा करीबी समूह यानी हमारे मित्र या परिवार के लोग। वो क्या खाते पीते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह के भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, समाज में उनकी क्या स्थिति है, ये सब हम बिना कुछ सोचे समझे ही अनुसरण करने लगते हैं और इसे बेहद नॉर्मल माना जाता है। दूसरा समूह वो जो हमें प्रभावित करता है, वो है बड़ा समूह। एक ऐसा ग्रुप जो आपके लिए अनजान होता है। कई बार जब हम अनिश्चित होते हैं तो सही सलाह के लिए किसी ऐसे बड़े समूह की ओर देखते हैं जो हमें उस विषय का एक्सपर्ट मालूम होता है। जैसे कोई ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले हम रिव्यूज पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर अपने निर्णय लेते हैं। हम इन लोगों को जानते नहीं हैं पर मानते हैं। और तीसरा समूह है शक्तिशाली या ताकतवर समूह। ये वो समूह है जो अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से हमें आकर्षित और प्रभावित करता है। इसमें अक्सर ऐसे महान लोग और सेलिब्रिटीज होते हैं जिनसे शायद हमारी कभी मुलाकात ना हुई हो, पर जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और कई काम हम कुछ खास समय पर सिर्फ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। जैसे किसी को अपने घर बुलाने पर अपने घर की साज सज्जा को बढ़ाना। कितना दिलचस्प है ना ये सफर। तो हमारी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आपका साथ भी बना रहे। खराब आदतें, कारण और सुधार। सिगरेट या शराब पीना बुरी आदतों में शुमार है, ठीक भी है। इससे आपका कोई भला नहीं होता बल्कि हर रूप में नुकसान ही होता है। सेहत की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, रिश्तों में खटास, समाज में बदनामी। आखिर इस आदत से आपने पाया क्या? कुछ नहीं। और खोया क्या? बहुत कुछ। दोस्तों, बुरी आदतों के बारे में कोई गलती मत कीजिए। बुरी आदतों को किसी वजह से ही बुरा कहा जाता है। ये हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं, हमें धीमा कर देती हैं, हमें अपने गोल्स तक पहुंचने से रोकती हैं और वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इस बारे में काफी चर्चा हुई है। आइए इस बातचीत में समझते हैं कि खराब आदतों के क्या कारण हैं और कैसे इनमें सुधार लाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी। तो बात करते हैं सिगरेट पीने की आदत के बारे में। हम इसे क्यों और कैसे शुरू करते हैं? अक्सर दोस्तों के बहकावे में आकर या अपने परिवार के बड़े लोगों को देखकर, कई बार समाज में प्रभाव जमाने के लिए। हाँ, कुछ लोगों को यह आदत स्टाइलिश भी लगती है। शुरुआत अक्सर यूं ही होती है और देखते ही देखते यह आदत से लत बन जाती है और आप धीरे धीरे ये जान जाते हैं कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस ललक के पीछे क्या है। आपकी आदतें किसी पुरानी समस्या का नया हल है। आप तनाव में हैं और आपको लगता है कि सिगरेट पीकर आप उसे कम कर पाएंगे, चाहे इच्छा न भी हो, पर ऐसा करना आपको समाधान जैसा मालूम होता है। आप किसी का इंतजार कर रहे हों और वो लेट हो जाए तो आप समय बिताने के लिए या झल्लाहट छुपाने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता। देर से आने वाला देरी तो कर रहा है ना, आपका क्या भला हुआ? आपने अपने मन की बेचैनी को थोड़ी देर के लिए बहला लिया, पर इन द लॉन्ग रन अपने लिए मुश्किलें ही जुटाई ना। अब बात करते हैं इसे छोड़ने के प्रयास के बारे में।
कोई भी ललक हमारे अंदर की एक खास किस्म की अभिव्यक्ति होती है। आपके दिमाग में ये इच्छा सबसे ऊपर नहीं होती कि चलो सिगरेट पी ली जाए या वीडियो गेम्स खेल लिए जाएं। मानसिक स्तर पर देखें तो आप बड़े सहज तरीके से अपनी अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं, अपनी बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन में ये तय कर लें कि आप गलत ही कर रहे हैं। तनाव दूर करने के लिए एक आदमी एक पूरा पैकेट सिगरेट पी सकता है, वहीं एक दूसरा आदमी 5 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप किसे अपनी समस्या के हल के रूप में देखते हैं। और फिर एक बार जब आप अपना हल तय कर लेते हैं तो फिर हर बार वही करते हैं। कोई भी ललक इस बात की समझ है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, उस खालीपन को कैसे भरना है ये आपके ऊपर है। अगर किसी प्रोडक्ट की तरह अपनी आदत को देखें तो आप समझेंगे कि किस तरह यह आपके स्वभाव से प्रेरित होती है। जैसे नए लोगों से मिलने या संबंध बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना, या अगर किसी बात पर अनिश्चित हैं तो फिर गूगल पर सर्च करना। जब भी कोई आदत सफलतापूर्वक आपके किसी मकसद से जुड़ जाती है तो आप में उसे फिर करने की ललक पैदा होती है। समय के साथ आप ये अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि तनाव से बचने का बेहतर उपाय दौड़ना या कोई हुनर सीखना भी हो सकता है, न सिर्फ सिगरेट पीना। इन आदतों में आपको आनंद आए इसके लिए अपने दिमाग की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये मानने के बजाय कि आपको कुछ करना पड़ रहा है, खुद से ये कहना शुरू करें कि आपको ये करने को मिल रहा है। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, सही मानसिकता चुनें। अपनी आदतों के नुकसान के साथ साथ खुद को उन्हें बदलने के फायदे गिनवाएं। व्यायाम करने को चुनौती ना समझें, बल्कि उससे मिलने वाले बेहतर स्वास्थ्य के बारे में सोचें। मानसिकता में ये मामूली बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, पर इनसे होने वाला असर आपके लिए कमाल का काम कर सकता है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लीजिए। इस चर्चा का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप भी हमारे इस सफर में बने रहिए। धीमे चलें पर पिछड़े नहीं। जल्दी प्रगति करने के लिए आपको बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेबी स्टेप्स लेने हैं और उन्हें लेते रहना है। जापान में इस अप्रोच को काइजन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है निरंतर सुधार। आप भी इसका उपयोग करके धीमे पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के माध्यम से महान और स्थायी आदत और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमें यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन लगने लगती है, एक एक कदम उठाना भारी हो जाता है, लगता है जैसे हम चले ही जा रहे हों पर लक्ष्य का दूर दूर तक पता ना हो। पर आप कितना ही निढाल महसूस कर रहे हों, अपनी मंजिल की ओर बिना रुके बढ़ते जाना चाहिए। चाहे आपकी गति धीमी ही क्यों ना हो जाए, पर लगातार चलते रहने से आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं, अपने अभ्यास का सटीक पालन करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आपके लिए लाई हूं मशहूर लेखक जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। बरसों की खोज और रिसर्च से ये पता चला है कि बदलाव के प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका धीमा और निरंतर होता है। हर काम अधीर होकर नहीं करना चाहिए, आदतों में बदलाव तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की जल्दबाजी अक्सर किसी बूमरांग की तरह हमारी तरफ उल्टी लौट आती है, पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ और पहले से भी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम लोग अक्सर खुद में जल्दी बदलाव लाने की सबसे अच्छी और प्रभावी योजना ढूंढने में उलझ जाते हैं। ये बहुत आसान होता है और इस योजना को ढूंढने के चक्कर में उलझकर हम खुद में बदलाव ला नहीं पाते। आपने वो कहावत सुनी होगी, बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, यानी सर्वश्रेष्ठ होना अच्छे होने का शत्रु है। काम में प्रवृत्त होना और क्रियाशील होना, ये दो विचार एक जैसे लगते तो हैं पर होते नहीं। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर आप लगातार उसे नहीं करते तो उसका कोई अर्थ नहीं। ऐसा मान लीजिए कि अपने काम में माहिर लोग अक्सर इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम तो उन्हें आता ही है, कभी भी कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर क्रियाशील लोग निरंतर उसे करते रहते हैं एक आदत की तरह, और यही वो सोच है जो कि परिणाम भी देती है। आसान शब्दों में कहें तो एक तरफ है अपने लिए सेहतमंद खाने की खोज में जुटे रहना, उसके बारे में पढ़ना, और दूसरी ओर अच्छा और सेहतमंद खाना। दोनों में से आपको क्या सही लगता है?
हरकत में आना और खुद को समझाना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन किसी आदत में महारत हासिल करने के लिए आपको उसे बार बार दोहराने की जरूरत है। आदत बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको जितनी बार दोहराएंगे हमारा दिमाग इसे उतना ज्यादा प्रभावी बनाता जाएगा। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास चलता रहे इसका नियम है कि आदत को आसान बनाया जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस आदत को कितना समय दिया, मायने रखता है कि आपने किस दर से काम किया। एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए जितनी बार भी उसे दोहराना पड़े वो करना होगा। उदाहरण के लिए, खाना खाने के बाद पैदल चलने की आदत, इस आदत को आपको रोज और बार बार तब तक दोहराना है जब तक कि खाना खत्म होते ही आप स्वचालित रूप से जूते पहनकर चलने को तैयार ना हो जाएं। इससे व्यवहार में बदलाव के बारे में बहुत जरूरी बात पता चलती है कि आदतें समय पर नहीं दोहराव पर टिकी होती हैं। तो यहाँ हमने जाना आदतों में बदलाव का तीसरा नियम। हाँ, उन्हें आसान बनाना ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाब हो सके। कुछ भी सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि उसका बार बार अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दे, सिर्फ हरकत पर नहीं। आदत निर्माण एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज्यादा स्वचालित होने लगता है। आप अपनी आदत को कितना समय दे रहे हैं ये जरूरी नहीं बल्कि कितनी बार वो कर रहे हैं ये जरूरी है। निरंतर प्रगति और सफलता पाने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा बनी रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। कम प्रयास अधिक परिणाम। आप जानते हैं ना कि आपका आज का जीवन अब तक के लिए गए सभी फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। आपने अब तक जो किया है या जो नहीं किया है सिर्फ उसी की वजह से आप वहां पहुंचे हैं जहां आज आप हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये तो संसार का एक बहुत ही सहज सा नियम है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात चल रही है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स की। इस किताब में जहां एक ओर अच्छी आदतों के गठन के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, वहीं बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए ये भी बताया गया है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कम प्रयास में अधिक परिणाम की। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, और सच भी है कि हमारा मस्तिष्क भी प्राकृतिक रूप से थोड़ा काम चोर है। इसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनना ज्यादा पसंद आता है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपने मस्तिष्क से बेहतर काम करवाने के लिए क्या करें। जब मेहनत कम लगेगी तो कम करने की आदत भी पड़ जाएगी, है ना। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ सही काम करना जितना आसान हो सके उतना अच्छा। इसके विपरीत गलत काम को यथासंभव कठिन बनाने के लिए अपने आसपास के माहौल में बदलाव लाने का प्लान करें। हमारा मस्तिष्क जानता है कि ऊर्जा अनमोल होती है और वो मौका मिलते ही इसे संजोने में लगा रहता है। मानव का स्वभाव भी कम परिश्रम करके अधिक परिणाम चाहता है। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं, यानी दो विकल्पों में से जिसे करने में कम मेहनत लगे ना उसी की तरफ आकर्षित होना। वो सब व्यर्थ के काम जैसे टीवी देखना, बेवजह फोन पर बनी रहना, ईमेल चेक करते रहना, इनमें हमारे समय का एक बड़ा हिस्सा आसानी से बर्बाद हो जाता है और हमारी कोई मेहनत भी नहीं लगती। इसलिए शायद हम ये काम बिना किसी प्रयास के कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर काम बिना प्रयास के ही करना चाहते हैं। कई लोग अथाह परिश्रम में भी विश्वास रखते हैं, सफल कारोबार करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ऐसे लोग हमेशा जीवन की चुनौतियों को पार करने के नए विकल्प ढूंढते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में लाते हैं और उन पर अमल करते हैं। इसी तरह अपने लिए बनाई गई आदतों को नियमित व्यवहार में लाने के लिए कुछ विकल्प करने चाहिए, जैसे कि कुछ भी करने के लिए समय का और स्थान का सही चयन। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, तो अगर वो आपके काम पर जाने के रास्ते में होगा और उसका समय भी आपके काम के समय के अनुकूल होगा तो आपके नियमित रूप से जिम जाने के ज्यादा चांसेस हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल उल्टी दिशा में हो। ऐसे में आप अपनी राह से कटकर उस तरफ जाने में कतरा सकते हैं। शुरू में शायद आप प्रयास करके चले भी जाएं, पर रोज ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अपना वातावरण बेहतर करने के कई तरीके हैं।
कुछ करने से पहले काम में आने वाली हर वो चीज एक साथ एक ही जगह पर हो, जिससे उन्हें इकट्ठा करने की आपकी मेहनत और समय दोनों बच सके। खाना बनाते समय सारी सामग्री निकाल कर रखें। इसी तरह कुछ पेंट करते समय कैनवस, पेंसिल, ब्रश और रंग एक साथ रख लें। सुबह जिम जाना है तो रात में उसके कपड़े, जूते और बैग के साथ तैयारी कर लें। इन सरल तरीकों से अपना वातावरण आप बदलें और साथ ही अपना व्यवहार भी। इसके विपरीत जिन आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए भी यही करें। माहौल में फिर बदल। टीवी देखना कम करना है तो उसे अपने बेडरूम से बाहर निकाल दें। हर बार उसे बंद करने के बाद रिमोट में से सेल निकाल दें। फोन पर चिपके रहने से बचना चाहते हैं तो उसे भी उठाकर खुद से दूर कहीं रख दें। कोई भी बेकार के काम को करने में जब इतनी मेहनत लगेगी ना, तो आप खुद ही उससे बचने लगेंगे। तो समझ गए ना, सही चीजों को करने का माहौल बनाएं, अच्छी आदतों में आने वाले अवरोध कम करें, खराब आदतों के अवरोध बढ़ा दें और आगे करने वाले कामों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाएं। ये सब आजमाए हुए फॉर्मूलाज हैं, आप भी जरूर ट्राई करें। इस किताब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। टालने की आदत और 2 मिनट का नियम। विश्व भर में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। और हम सब कबीर के इस दोहे से भी अच्छी तरह से परिचित हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। सीधी, सच्ची, सरल बात और कितनी जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक के 2 अर्थ हैं, बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। जैसा कि किताब के शीर्षक से जाहिर है, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं हम सबके अंदर की एक बेहद आम पर नुकसानदायक आदत की, टालने की आदत। जी, आज रहने देते हैं, कल से करेंगे ना, जैसे विचार मन में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये तुरंत हम नहीं जान पाते, लेकिन इससे निपटने के कुछ आसान उपाय हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदतें हमारा वो व्यवहार है जो हम इतनी बार दोहराते हैं कि वो स्वचालित हो जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही चाय का पानी चढ़ाना, पौधों में पानी डालना, या फिर अपना फोन चेक करना, या नहा धोकर सीधे काम पर चल देना। इन सब कामों के लिए हमें विचार भी नहीं करना पड़ता। कई बार हम अध खुली आंखों से फोन देखने लगते हैं या बिना सोचे किचन या बाथरूम की ओर चल देते हैं। ये बहुत सरल काम है और क्योंकि ये आदत बन चुके हैं इसलिए इनमें मेहनत भी नहीं लगती। इसी तरह हमारे दिन के कुछ निर्णायक पल होते हैं, जैसे कि काम से लौटकर खाना पकाना है, बाहर से मंगवाना है, या बाहर जाकर खाना है, या कि जिम जाकर कसरत करनी है, या घर के बाहर ही वॉक कर लेना है। हैं तो ये भी आदतें ही, पर इनके लिए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का ये सरल तरीका है। कोई अच्छी आदत शुरू करते समय ठान लें कि उसे बोरिंग होने से बचाना है, और उसके लिए एक ऐसी समय सीमा तय करें जिससे काम या बोझ ना लगने लगे। 2 मिनट का नियम बताता है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप अपने हर काम को नियमित रूप से ये सोचकर करें कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, चाहे वो 2 मिनट से कम समय के लिए ही क्यों ना हो। 2 मिनट किताब पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है, और 2 मिनट कसरत करना बिल्कुल ना करने से अच्छा है। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक की तरह लग सकता है, ऐसा है नहीं। यहाँ आप खुद को लंबे समय की आदत के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज का अभ्यास 2 मिनट तक आसान है, और उसके बाद अगर वो बोझ लगने लगे तो रुक जाए। फिर चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो, या ध्यान लगाना ही क्यों ना हो। कुछ भी शुरू करने के लिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसे ही आदत को आकार देना कहते हैं। याद रहे, ये वर्कआउट से पहले का वार्म अप है। एक बार आप शुरू हो गए तो बहुत आगे तक इसे ले जा पाएंगे। हर बदलाव की शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा आखिरी रिजल्ट से जुड़ी होती है।
और जब आपको पता हो कि छोटी सी शुरुआत करके भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। याद रहे, अगर हम हमेशा ही हवा और मौसम के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे ना, तो ना तो कभी कोई नई पौध लगा पाएंगे और ना ही उसे काट पाएंगे। तो अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आज से ही अच्छी और नई आदतों की शुरुआत कीजिए। उन्हें कल पर न टालिए और साथ ही 2 मिनट के अंदर करने के नियम का पालन कीजिए। फिर देखिए ये करना आपके लिए कितना आसान होगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में हम केवल अच्छी आदतें ही बनाएं या अपनी हर आदत या दिनचर्या से हमें सिर्फ खुशी या सफलता ही मिली हो। बड़े बड़े संतों महात्माओं के लिए भी ये संभव नहीं है। कई बार कुछ गलत आदतों की वजह से हमें कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं और ये जानते हुए भी अक्सर इनसे मुक्त होना आसान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज की चर्चा का विषय है कि किस तरह हम अपने लिए अच्छी आदतों को बेहद जरूरी कर सकते हैं और साथ ही बुरी आदतों को अपने लिए बहुत मुश्किल। सुनने में अटपटा लग रहा होगा पर यह संभव भी है और आवश्यक भी। कभी कभी हमारे नकारात्मक व्यवहार इतने नियमित हो जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें कर देते हैं। समय के साथ ये बुरी आदतें बाधा बन जाती हैं, हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, गिराती हैं और हमें ये मानना पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस ख्याल के साथ ही हम इससे जल्द ही मुक्त होने को बेचैन हो जाते हैं और सारे प्रयास करते हैं कि इन्हें छोड़ सकें या बदल सकें। सबसे पहले हमारे पास बदलाव करने की इच्छा या प्रेरणा होनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच या अपना नजरिया नहीं बदलेंगे ऐसा नहीं होगा। हमें चीजों को अलग तरीके से करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित होना होगा, आदत को तोड़ने के लिए या फिर इसे बदलने के लिए। बेशक हमें चीजों को नए तरीके से करना होगा या नए तरीके अपना कर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। किताब में इसका एक अनूठा उदाहरण दिया गया है। एक प्रसिद्ध लेखक को जब कुछ ही समय में एक पूरी किताब लिखनी थी और वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अपने टाल मटोल करने की आदत से बचने का एक उपाय निकाला। उन्होंने केवल घर में लपेटने के लिए एक ऊनी शॉल को छोड़कर बाहर पहनने वाले सब कपड़े एक बड़ी सी पेटी में बंद कर दिए। अब चूंकि बाहर जाने के लिए पहनने योग्य कुछ था नहीं तो वो अपने घर में ही बंद होकर रह गए और पूरी सर्दी अंदर रहकर पुस्तक लिख डाली। मौसम के बदलने तक उनकी किताब पूरी होकर छप चुकी थी। है ना अनूठा एग्जाम्पल। इससे पता चलता है हर बार अच्छी आदत को आसान नहीं बनाना होता, कई बार बुरी आदत को मुश्किल बनाकर भी काम हो जाता है। नहीं, ये एक ऐसा चुनाव है जिससे आप अपने भविष्य के व्यवहार को सीमित कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं जहां कई एथलीट बाहर जाते समय अपने बटुए घर ही छोड़ गए ताकि अगर वो कुछ बेकार की चीज खाना चाहें तो उनके पास पैसे ही ना हो। इस तरह के कंट्रोल से आपको बहुत फायदा होता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी बुरी आदत वाले काम को मुश्किल करके इस तरह बदलें कि उसे करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ऐसा महसूस करने पर उसे करने की इच्छा खुद ब खुद कम होने लगेगी। साथ ही अपनी अच्छी आदत को अनिवार्य बनाने के कदम उठाएं। जैसे अगर आप अपने लिए एक फिट बॉडी चाहते हैं तो अपने ट्रेनर को या जिम में पहले ही पैसे दे दें। ऐसा ही कुछ आप किसी नई कला या भाषा सीखने के लिए भी करें। एडवांस पेमेंट करके आपके अंदर इस काम को करने की ललक और बढ़ेगी, अब जबकि आप उस काम के पैसे भी दे चुके हैं। अपनी कुछ आदतों को ना ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रयास करें। जैसे अगर आप किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिलचस्पी रखते हैं तो उसका सालाना सब्सक्रिप्शन ले लें, अब वो बिना रुके या देरी किए आप तक पहुंच सकेगी। ऐसा ही कुछ आप अपनी फल और सब्जी की खरीदारी के साथ भी कर सकते हैं। इन कामों में फिर आपकी बार बार की मेहनत नहीं लगेगी और ये सुचारू रूप से अपने आप होते भी रहेंगे। तो देखा आपने, अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बनाने और अच्छी आदतों को आसान बनाने के ये कुछ उपाय आपके लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। मैक्स स्टोरी ने कहा है, गलत चीजों को ना कहना सही चीजों को हाँ कहने के लिए जगह बनाना है। आदतों पर हमारी चर्चा का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहेगा। अभी जानने सीखने और समझने को बहुत कुछ बाकी जो है। आप भी यूं ही बने रहेंगे ना हमारे साथ।
सुखद आदतें। अपनी आदतों में पॉजिटिव चेंज लाने का एक जरूरी कारण ये भी है कि आप ये जान लें कि ये आपके लिए कितनी सैटिस्फाइंग होने वाली है, क्योंकि ये सच है। अगर कोई अनुभव सैटिस्फाइंग नहीं होता ना, तो हमारे पास उसे दोहराने की कोई वजह भी नहीं होती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी जिस काम से हमें कुछ इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिस काम से पीड़ा होना वो करने से हम कतराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और यहाँ बात एटॉमिक हैबिट्स की ही चल रही है। ये एक बहुचर्चित किताब है जिसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय बताए गए हैं, ऐसे उपाय जिन्हें आजमाकर हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम ना बुरा होता है। अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है। शुरू में चाहे कठिनाई आ सकती है, पर इसके अंत में हमेशा भला ही होता है। एक आदत को लंबे समय तक चलने के लिए सुखद होना ही चाहिए। जब सुखद हो तो परिवर्तन आसान होता है और अच्छा भी लगता है। किताब में अच्छी आदत के सुखद अनुभव पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। चाहे एक शहर को बीमारी और महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि बीमारी की जड़ है भीड़ और गंदगी, और बचाव है केवल साफ सफाई वाला रहन सहन। अब इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। उन सभी लोगों को साबुन से हाथ धोने को कहा गया। इसके लिए उन्हें खुशबूदार और झाग वाले साबुन भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। इस साबुन के इस्तेमाल से सब खुश थे। हाथ पैर साफ होने के साथ साथ दिन भर एक भीनी सी खुशबू भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी तो उन लोगों को मुफ्त साबुन मिलना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि तब तक सभी को हाथ धोने की सुखद आदत लग चुकी थी, उन्होंने खरीद कर उस साबुन का प्रयोग करना जारी रखा। तो देखा आपने कैसे एक सुखद अनुभव की वजह से एक पूरे शरीर में कई लोगों के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई और लगातार बनी भी रही। इस सबसे यही साबित होता है कि हमारे लिए वो आदतें बनाना और आसान होता है जो हमें तुरंत संतोष प्रदान करें। साथ ही ये भी तय है कि वो आदतें जो थोड़े समय बाद हमें लाभ दें, वो उतनी प्रिय नहीं लगती। जैसे आप आज वजन घटाने की सोचें और उस पर काम शुरू करें, तब कहीं जाकर साल 6 महीने में कोई नतीजा सामने आएगा। तत्काल रिटर्न के माहौल में दूर भविष्य का महत्व कम हो जाता है। यही बात है धूम्रपान करने जैसी आदत को लेकर। सब जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम नुकसान देते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, बीमारी, कमजोरी। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उस क्षण में सिगरेट पीने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, तो आप केवल नजदीक का फायदा देखते हैं। अपनी हर आदत से हम जल्दी मिलने वाले अच्छे परिणाम ही तो चाहते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए भी दोहराते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती हैं, और इसलिए उनमें बुराई ढूंढकर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये व्यवहार केवल तभी बदलता है जब उन बुरी आदतों के अंजाम से हमें बहुत तकलीफ हो। एक शोध के अनुसार संतुष्टि में देरी करना अधिक बुद्धिमानी की निशानी है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग तुरंत संतुष्टि की चाह नहीं रखते, वो अक्सर अधिक सफल होते हैं। इस तरह के लोगों में बेहतर सामाजिक कौशल होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में सफल और महान बनना चाहते हैं, तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सही व्यवहार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए केवल उन आदतों को बनाने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपको बनाने के लिए कहता है। अपने लिए वही आदतें चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो कि सबसे लोकप्रिय हो। आपकी सफलता की संभावना तब बढ़ती है जब आप अपने लिए सही चुनौतियों को ढूंढते हैं। आदतों पर हमारी बातचीत का काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आप भी साथ साथ चलते रहिएगा। Track your habits. The most effective form of motivation is progress. यानि प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति है, या यूं कहें कि हर छोटी जीत आपकी इच्छा को बढ़ाती है, आपकी प्रेरणा बन जाती है। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाते हैं, आप में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती जाती है। इसके लिए आपको अपनी आदतों पर नजर रखनी होगी, यानी कि उन्हें ट्रैक करना होगा। आज की कड़ी में जानते हैं अपनी सभी अच्छी आदतों से रोजाना जुड़ी रहने और उन पर पैनी नजर बनाए रखने के उपाय।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और हम बात कर रहे हैं लेखक जेम्स क्लियर की लिखी बेस्ट सेलिंग मोटिवेशनल बुक एटॉमिक हैबिट्स की। लोग अलग अलग और कई बार अजीब तरीकों से अपनी आदतों पर नजर रखने के प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि जो तरीके हमें अजीब लगते हैं वो उनके लिए बेहद कामयाबी से काम करते हैं। जैसे कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए एक डब्बे में कंचे या क्लिप्स रखना और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं उन्हें दूसरे डिब्बे में डालते रहना, फिर जिस दिन पहला डब्बा खाली हो जाए इसी क्रिया को दोहरा देना। है ना मजेदार तरीका। ऐसे ही कुछ लोग कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाते जाते हैं। हफ्ते में अगर 3 दिन कसरत करने के लिए तय किए हैं तो उन 3 दिनों पर निशान बनाते गए, महीने के अंत में पता चल ही जाता है कि इस नियम का कितना पालन हुआ। इसी तरह कुछ लोग पौष्टिक आहार खाते समय अपनी नोटबुक में अपने खाने का हिसाब लिखते रहते हैं। इससे वो अपनी दिन भर की इस आदत पर नजर रखने में कामयाब होते हैं और दिन के अंत में उन्हें पता रहता है कि कहीं उन्होंने जरूरत से अधिक तो नहीं खा लिया। ये सरल से उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस विषय पर शोध कर रहे लोगों का कहना है कि अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम उपाय है एक हैबिट ट्रैकर बनाना और उसका नियम से पालन करना। इस उपाय ने अनगिनत लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है और इसका मूल मंत्र है कि ये कड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी तय है कि आप अपनी आदतों के साथ कितने भी नियम से रहें, किसी दिन इसमें बाधा भी आ सकती है, तो अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखें। इस तरह के हैबिट ट्रैकिंग से जब जब हमें आगे बढ़ने के संकेत मिलते हैं, हम कामयाबी की उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हर एक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। साथ ही अगर किसी दिन आप थोड़ा सा भी निराश महसूस कर रहे हों, तो पिछले दिनों की अपनी प्रगति को देखकर फिर से प्रेरित हो जाएं। वो आपको इस बात की याद दिला देगी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो देखिए, सारांश में कहें तो इस हैबिट ट्रैकिंग के 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला, इसे देखकर आपको अपने नियम पालन का ध्यान रहता है। दूसरा, इसे देखकर आप स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं क्योंकि आपकी प्रगति के प्रमाण आपके सामने हैं और आप उन्हें खोना नहीं चाहते। तीसरा, जब भी आप सफल होते हैं इसे रिकॉर्ड में देखकर और संतुष्ट महसूस करते हैं। पर बहुत से लोग ट्रैकिंग या मापने के इस विचार के विरोधी भी होते हैं। जी, कई लोगों को ये अतिरिक्त बोझ की तरह लगने लगता है। उनका मानना है कि इससे काम दुगना हो जाता है। पहले अच्छी आदत का पालन करो और फिर उस पालन का हिसाब रखने की आदत डालो। पर इसका भी उपाय है ना। आजकल कैलोरी काउंट करने के, एक्सरसाइज करने या कदम मापने के, या रुपए पैसे का हिसाब रखने के, इस तरह के कई ट्रैकिंग एप्स उपलब्ध हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। आदत का कब हिसाब रखना है और कब नहीं, ये समझना जरूरी है। और ये भी कि अगर कभी बीच में किसी कारणवश आपसे चूक हो भी जाए या कोई आदत छूट जाए, तो जितनी जल्दी हो सके वापस अपने नियम पालन पर आ जाएं। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है और अलग तरह से सोचता है। किसी एक के लिए कारगर उपाय दूसरे के लिए बेकार सिद्ध हो सकता है। हमेशा याद रखें, एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है जो बाकी सभी खेल रहे हैं, लेकिन वहीं एक महान खिलाड़ी अपने लिए एक नया खेल बनाता है। ऐसा खेल जो उसकी ताकत के पक्ष में हो और न कि उसकी कमजोरियों के। तो आप अपने लिए अपने हिसाब से खेल चुनें, ठीक है ना? और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, क्योंकि चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। जवाब, देह भागीदारी। लोग अक्सर पूछते हैं, व्हाट्स द बिग डील अबाउट हैबिट्स, यानी कि वैसे भी आदतों में कौन सी बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो चीजें हम बार बार करते हैं ना, वो लगातार हमारे भविष्य को आकार देती हैं। और साथ ही हम सफल होंगे या नहीं, अक्सर ये हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है। विश्व के महान दार्शनिक लाओ त्सू ने कहा है, अपने विचार को देखो, वो तुम्हारे शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वो तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वो तुम्हारी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वो तुम्हारा चरित्र बन जाती हैं। अपने चरित्र को देखो, वो तुम्हारा भाग्य बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है
जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। पूरी किताब हमारी अच्छी या बुरी आदतों और उनसे होने वाले अच्छे या बुरे परिणामों के बारे में है। साथ ही इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम अलग अलग उपाय करके अपने लिए अच्छी आदतों को जरूरी और गलत आदतों से दूरी बना सकते हैं। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह खुद में मौजूद एक बुरी आदत को डिससैटिस्फैक्टरी यानी असंतोषजनक बनाना जरूरी हो जाता है। जिस तरह हम एक ऐसी आदत को दोहराना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, उसी तरह हम हर उस अनुभव से बचना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो, और इसीलिए ऐसी आदत को हम नहीं दोहराना चाहेंगे। आप जानते हैं ना कि दर्द एक प्रभावी शिक्षक की तरह होता है, इसीलिए कोई भी ऐसा व्यवहार अगर दर्दनाक हो तो लंबे अरसे तक हमारे मन में उसकी छाप रहती है। वहीं दूसरी ओर अगर असफलता में कष्ट ना छुपा हो तो अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे ऐसे सोचिए कि अगर आपके घर कोई मजदूर काम करने आता है पर अपना काम ठीक से नहीं करता, फिर अचानक उसे ये याद आता है कि आपके नेगेटिव फीडबैक से उसे बहुत नुकसान और कष्ट हो सकता है, तो वो आपकी एक वार्निंग में सही ढंग से काम करने लगता है। या किसी ग्राहक के दोबारा ना लौटने के डर और संभावना से कोई होटल अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाता है, या कोई डॉक्टर जो इसलिए भी अधिक सावधानी बरतता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उससे मरीज की जान बचाने में कोई लापरवाही हो गई तो वो हमेशा के लिए अपना लाइसेंस खो देगा। ये सारे उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं और सावधान रहते हैं। इसे जवाबदेही वाली भागीदारी कहा जाता है, जहां आपके काम या आदत या नियम से किसी और की जान, माल या पैसे की जवाबदेही तय होती है। कामचोरी और लापरवाही जैसी बुरी आदतों का त्याग इसलिए भी जरूरी है। जब भी हमारी आदतों और उनसे जुड़े परिणामों में से किसी को कष्ट होगा, हम उन्हें दोहराने से कतराएंगे। व्यवहार तभी बदलता है जब उसके परिणाम की सजा तीव्र हो। किसी भी बुरी आदत से हुए गलत परिणाम की अधिक कीमत जोड़ना ही उससे बचने का सही तरीका है। कानून और नियम इस बात के सबूत हैं कि किसी भी देश की सरकार जब चाहे एक सामाजिक अनुबंध बनाकर सबकी आदतों को बदलने में सक्षम है। एक समाज के रूप में हम सब सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत होते हैं और उनका विरोध करने पर हमें सजा या जुर्माना भुगतना पड़ता है। ये जानकारी कि कोई और आपको देख रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, आपके लिए नियमों का पालन करने में प्रेरक हो सकती है। इसी तरह हम अपने ऊपर भी ऐसे ही कुछ अनुबंध लागू करके खुद अपनी जवाबदेही तय कर सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा ही किसी ना किसी चुनौती को ढूंढता है। साथ ही हम अपने आसपास के लोगों की राय की भी परवाह करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है कि लोग हमें पसंद करें, तभी हम खुद को सफल और संतुष्ट मानते हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स के आगे के भाग पर चर्चा जारी रहेगी, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रतिभा और हमारी जीन्स। आपने गौर किया है, कुछ लोग कैसे नेचुरली स्पोर्टी होते हैं, बचपन से ही तेज भागने वाले, या किसी खेल में पारंगत, या फिर अद्भुत संगीत की समझ रखने वाले, मानो उनका भाग्य पहले से तय हो। इन सब में ना बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। हमारी जीन्स बताती हैं कि हम किस क्षेत्र में सफल होंगे, पर साथ ही हमारा लाइफस्टाइल उसमें जरूरी वैल्यू एडिशंस करता है। कुछ ऐसे जैसे आपके जीन्स बंदूक को लोड तो करते हो, लेकिन ये आपकी जीवन शैली है जो ट्रिगर खींचती है और तभी निशाना सही लग पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हम पहले भी बता चुके हैं कि एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट यानी वो सभी छोटे छोटे व्यवहार जो हम हर रोज दोहराते हैं, कभी चाहकर और कभी अनजाने में। और जैसा कि किताब का टाइटल दर्शाता है, चर्चा का विषय है वो सभी एटॉमिक हैबिट्स जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। पीढ़ियों के बीच की जानकारी को संग्रहित करने और प्रसारित करने को जेनेटिक्स कहते हैं। सिर्फ हमारे जीन्स हमारे भाग्य को तय नहीं कर सकते, हाँ वो हमारे लिए अवसर के क्षेत्र जरूर तय कर सकते हैं।
अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम किस तरह अपने लिए सही अवसर या आदत चुन सकते हैं जिनका हमारे सफल जीवन में योगदान हो सके। देखिए, आपके जीन्स आपके हर आदत के पीछे काम करते हैं। वास्तव में हर एक व्यवहार की ऊपरी सतह के नीचे, आपकी टीवी देखने की आदत या सिगरेट शराब की लत से लेकर शादी ब्याह करने या किसी रिश्ते में अलग हो जाने तक, आपके जीवन शैली की हर बात पर आपकी जीन्स का प्रभाव होता है। कुछ ऐसे ही अलग अलग तरह की सिचुएशंस में आपके व्यवहार पर आपकी जीन्स का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आप किस स्थिति में कितने तनाव के साथ या गंभीर होकर या हंसी खुशी जिस भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये सब आपके जीन्स पर निर्भर करता है। आपके शौक भी आपके जीन्स के कारण होते हैं। कुछ लोगों को सिनेमा या ओपेरा बहुत उबाव लग सकता है, वहीं कुछ लोग इसे देखने के लिए उतावले रहते हैं। तो ये माना जाए कि ये जेनेटिक लक्षण आपके लिए एक विशेष व्यक्तित्व तैयार करते हैं। आपसे जुड़ी कुछ बातें तो आपके जन्म से ही सिद्ध हो जाती हैं। इसका एक आसान उदाहरण ये है, अस्पताल के किसी भी नवजात शिशु वार्ड में जाकर थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए, कुछ बच्चे तो आपकी तरफ मुड़ेंगे और कुछ नहीं। जो मुड़ेंगे ना, वो बड़े होकर एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी बनेंगे। उनकी दीन दुनिया में दिलचस्पी अधिक होगी और वो अपने परिवार और समाज में ज्यादा लोकप्रिय होंगे। जो चुपचाप शांत अपने पालने में लेटे रहेंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे ना, वो आगे चलकर इंट्रोवर्ट ही रहेंगे। कुछ लोग बचपन से ही अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें औरों के दुख तकलीफ से चोट पहुंचती है और उनमें दया और दूसरों का ध्यान रखने की भावना प्रबल होती है। इसी तरह कुछ लोगों को जानवरों से अधिक प्रेम होता है, वहीं कुछ दूसरे लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये सभी आदतें सिर्फ हमारी पर्सनालिटी से निर्धारित नहीं होती, हमारे जीन्स भी इन्हें प्रभावित करते हैं। हमारे जीन्स हमें एक निर्धारित दिशा में मोड़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें, उससे उलट नहीं। अपने लिए वो आदत चुनें जो आपको पसंद हो, चाहे वो आपके बाकी लोगों में लोकप्रिय हो या ना हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी देता है, संतुष्ट रखता है। लंबे समय तक चलने वाली आदतें सुखद होनी चाहिए, तभी तो वो लंबे समय तक चल पाएंगी, है ना। सही आदतें चुनें जिनसे आपकी प्रगति आसान हो सके और आप लंबे समय तक इस दिशा में आगे बढ़ते रहें और जीवन में सफल हो सके। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर रहने वाले लोग न केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, बल्कि वो कार्य के लिए भी उपयुक्त होते हैं। उन्होंने अपने लिए सही क्षेत्र का चुनाव किया था, इसीलिए आज वो सफलता के चरम पर पहुंच सके। अगर आप अपने तय के क्षेत्र में जीत रहे हैं तो उसे दोहराते रहें, और अगर कहीं विफल हो रहे हैं तो उस पर विचार करें कि क्या वो वाकई आपके लिए है। दोस्तों, ये गहन चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। जीन्स और हमारा स्वभाव। हम किसी भी व्यक्ति से मिलकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके काम करने के तरीकों को समझकर और उसके इरादों का पता लगाकर उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। ये स्वाभाविक है। लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो आमतौर पर उनकी चेतना का प्रतिबिंब होता है। इससे पता चलता है कि मनुष्य होने के नाते वो अपनी यात्रा में कहां तक पहुंचे हैं और अब तक उनके अपने अनुभव क्या रहे हैं। हमें उन पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, हम बस अपनी समझ के स्तर पर जा सकते हैं। दूसरों को देखकर हम अपने आप को और अपने तरीकों को भी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में बेस्ट सेलर मानी जाने वाली किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब के सार से हमें अपनी आदत, व्यवहार और स्वभाव के बारे में कई ऐसी बातें पता चल रही हैं जो शायद हमारे आसपास हमेशा से थी, पर हमने कभी उन पर चिंतन नहीं किया। देखिए, अपने लिए आदर्श और सकारात्मक नजरिया ढूंढना भी बहुत जरूरी है जी, और ये इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास इसके लिए कितना समय है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपके करियर की शुरुआत ही है और आपके पास अपनी पसंद का काम चुनने का काफी समय है, तो आप आराम से चिंतन करके, सोच विचार करके अपने लिए अच्छे और सही विकल्प चुन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी समय सीमा में बंध कर अपना कोई भी कार्य पूरा करना चाहते हैं,
तो उस समय मौजूद सबसे बेहतर विकल्प चुनना ही आपके लिए उचित होगा। आपके पास ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं होगा। कई बार जिन कामों में किसी और को कष्ट पहुंचता है लेकिन आपको आनंद आता है, तो जान लीजिए कि आप उसी काम को करने के लिए बने हैं। हम लगातार अपने आसपास से अपनी तुलना करते रहते हैं और जब ये तुलना हमारे पक्ष में रहती है, जाहिर सी बात है हमें अच्छा लगता है और हमारा व्यवहार अधिक संतोषजनक रहता है। कई बार हमें वो सब भूलकर जो हमने समाज या स्कूल में अब तक सीखा हो या दूसरे से हम क्या अपेक्षा करते हों, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि हमारे लिए स्वाभाविक क्या है, कब हम बहुत अच्छा और आनंदित महसूस करते हैं। लोगों को खुश करने की तो कोई सीमा है ही नहीं। जब भी हमें अपने लिए कुछ जीवंत और सही लगे, समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल सही राह पर हैं। इस धरती पर हमारा जीवन सीमित है और समय कम है। ऐसे में वो लोग महान हैं जो न केवल बहुत मेहनत करते हैं बल्कि भाग्य भी जिनका साथ देता है, जो आसानी से अपने सभी अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने ही क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बेहतर हैं, पर वो हमसे अधिक लोकप्रिय और सफल है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं, तो उन्हीं की तरह काम करके जीतने के बजाय मुकाबले में अपने लिए एक अलग जगह बनाए ना। हमारे जीन्स कभी भी मेहनत की जरूरत को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, वो उसे हमारे लिए स्पष्ट जरूर कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि किसमें कड़ी मेहनत करनी है, और जब एक बार हमें अपने सामर्थ्य का पता चल जाता है तो हम आसानी से जान पाते हैं कि किस काम में कितना समय और ऊर्जा लगानी है। हमें ये भी समझने में आसानी होती है कि हमें किस तरह के अवसरों की ओर बढ़ना है और किस किस्म की चुनौतियों से बचना है। ऐसे में अपनी क्षमताओं का सही उपयोग ही सफलता की निशानी है। इसीलिए कहा गया है कि सही आदत अपनाएं तो आपका विकास आसान रहेगा और खराब आदत पर पूरा जीवन संघर्षमय बीतेगा। और क्योंकि हम अपने जीन्स को आसानी से नहीं बदल सकते, तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी स्थितियां उनके अनुकूल बनाएं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हों। तो दोस्तों, ये मान कर चलें कि भाई जीवन बहुत कठिन है, आपको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार बदलते हैं। जब आपका व्यवहार बदलता है तो आपका परिणाम भी बदलेगा। आप भी अपनी सफलता की ये यात्रा जारी रखें और हम भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। How to stay inspired? दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह कुछ लोग बरसों बरस किसी काम में लगे रहते हैं। जितना समय उसे सीखने में बिताते हैं, उससे भी ज्यादा उसे पॉलिश करने में, सुधारने में और अंत में सफलता की चोटी तक पहुंचने में लगाते हैं। चाहे वो पेंटर हो, कार्टूनिस्ट हो या म्यूजिशियंस हो, लगातार नियम से अभ्यास करते रहते हैं पूरी लगन से और उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। और हम खुद से पूछते रह जाते हैं कि आखिर हम ऐसी आदतें कैसे बनाएं? तो इसका जवाब है, आपको नियमित रूप से उन चुनौतियों की खोज करने की जरूरत है जो आपको प्रेरित करती रहें, ताकि आप सही रूप से प्रगति के पथ पर बने रहें। हम ये तो नहीं जानते कि आगे क्या होगा, फिर भी चुनौती जो भी हो, हमें हर हाल में उसे गले लगाना है और उसे पार भी करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आइए चलते हैं हम एक ऐसे सफर पर जहां जीवन को सफल बनाने के कारगर उपाय बताए जा रहे हैं। चर्चा का विषय है लेखक जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर गोल्डिलॉक्स के नियम। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतों को संजोकर रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि इस व्यवहार को इतना आसान रखें कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आप अपनी आदत पर बने रह सकें। एक बार आदत बन जाने पर चाहे छोटे ही सही, पर हर तरीके से इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ कुछ सुधार लाते रहें ताकि आपकी रुचि बनी रहे। और ये भी तय है कि जिस कठिनाई को हम पार कर लेते हैं ना, उसमें अगर कोई चुनौती ना हो तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं हो पाते। इस आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऊब जाना। इसलिए अपनी अच्छी आदत को कभी भी उबाऊ मत होने दीजिए। किसी भी काम में महारत पाने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी होता है, लेकिन हर दिन किया जाने वाला अभ्यास भी बोरिंग हो सकता है।
और आपकी सफलता में खतरा बन सकता है। जब भी आदतें हमें खुशी देना बंद कर देती हैं ना, हम उन्हें छोड़ देते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। कोशिश कीजिए कि आपकी बनाई सभी आदतों में पर्याप्त चुनौतियां भी आएं, ताकि उनमें आपकी रुचि भी बनी रह सके। हम सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं ना। कुछ सपने भी होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हर बार किसी सुविधाजनक हालत में ही अपनी बेहतरी के लिए काम किया जाए, ये संभव नहीं है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो बहुत दिन तो उसे बहुत उत्साह से निभाते हैं, चाहे वो ब्लॉग लिखना हो या जिम जाकर कसरत करना या फिर रेस ट्रैक पर दौड़ लगाना। लेकिन फिर एक समय बाद आपको टाइप करने में तकलीफ होने लगती है, एक्सरसाइज में रुचि खत्म होने लगती है और रेस ट्रैक ना घर से बहुत दूर लगने लगता है। ऐसे में दर्द और परेशानी के साथ और कम होती ऊर्जा के बावजूद जो लोग आगे बढ़ने के उपाय सोचते हैं, वही दरअसल अपने जीवन और व्यवहार को गंभीरता से देखते हैं। बाकी लोग ये काम शौकिया कर रहे होते हैं। जब कोई आदत आपके लिए जरूरी हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने की इच्छा होती है। सबसे आगे रहने का बस एक ही तरीका है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे खुशी से करते रहें। अपनी बोरियत को अपनी चाहत बना लें। सफलता की राह में आपका सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि ऊब जाना है। आदतों को रूटीन में ढलकर बोरिंग होने से बचाना होगा। ये मान के चलिए कि प्रेरणा होने पर तो हर कोई आगे बढ़ ही जाता है। बात तो तब है कि आपका काम उत्साहजनक ना हो और तब भी आप उसे करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम छोटा हो या बड़ा, किसी प्रोफेशनल की तरह बिना रोके उसे करते जाएं, शौकिया तौर पर नहीं। अमेरिका के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर लेस ब्राउन ने कहा है, लाइफ हैज नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट द वंस यू मेक। यानी जीवन की कोई सीमाएं नहीं है सिवाय उनके जिन्हें आप अपने लिए खुद बनाते हैं। तो आंख खोलिए और अपने भीतर झांक के देखिए और खुद से पूछिए कि जो आप जीवन जी रहे हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो उसे बदलने की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। हम इस बातचीत को यूं ही जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम तो ऐसे हैं भैया, आदतों के अनेक फायदे हैं पर नुकसान भी, कि जिस समय हमारे आसपास की दुनिया बदल भी रही होती है, हम तब भी अपनी उन्हीं आदतों के पैटर्न्स में बंधे रह जाते हैं। ऐसा कहना और मानना है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर का, जिनकी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका आगे का सार समझाने के लिए आपके साथ हूं मैं, यानी पल्लवी। आदतों का नकारात्मक पक्ष ये है कि आप चीजों को एक निश्चित तरीके से करने के आदि हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आखिर आपको उन्हें एक अंदाज में करने की आदत जो पड़ गई है। लेकिन हर आदत को लगातार सुधार की भी जरूरत होती है। आदतों को सिर्फ सीखना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवस्थित भी रखना होता है। इसके लिए आपको निरंतर एक रिव्यू यानी समीक्षा करनी होगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपना समय सही चीजों में लगाएं और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करते रहें। कोई आदत अगर आपके जीवन पर कोई अच्छा प्रभाव न डाल रही हो तो उसका अभ्यास जारी न रखें। इसे करने का एक और तरीका है, हर साल के अंत में अपने किए सभी बड़े कामों का लेखा जोखा तैयार करें। देखें कि बीते वर्ष आपने क्या नया सीखा, किस नई जगह गए और क्या नए आयाम हासिल किए। इससे बड़ी आसानी से ये पता लग जाएगा कि आपका साल फायदे में बीता या नुकसान में। जैसे शुरुआत में आदत को दोहराते रहना आपकी पहचान बनाने के लिए जरूरी है, वैसे ही बनाई गई कुछ ऐसी आदतों को छोड़ना भी जरूरी है जो एक समय के बाद आप में कोई विकास नहीं ला पाती। अपने हर विचार को पवित्र मानकर उसे खुद से जोड़े रखने में कोई समझदारी नहीं है, खासकर तब जब वो आपका कुछ भला ना कर रहा हो। आप अपनी पहचान के नाम पर एक पुराने धंधे से जितना ज्यादा चिपके रहेंगे ना, उतना ही आपका आगे बढ़ना मुश्किल होता जाएगा। अपने आप को समय के साथ गढ़ना होगा। हम तो ऐसे ही हैं भाई, जैसे ख्याल आपको मजाक का पात्र भी बना सकते हैं। ताओ ते चिंग का एक कथन है जो इन विचारों पर एकदम सटीक बैठता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो नरम और सुनम्य होता है, जब मरता है तो कड़ा और सख्त हो जाता है।
आदतें बहुत फायदे कराती हैं, पर इनकी एक कमी ये है कि ये हमें अपने ही विचारों के दायरे में बांध देती हैं। आप एक ही चीज को आंख बंद करके नहीं दोहरा सकते हैं और असाधारण बनने की उम्मीद कर सकते हैं। सब कुछ चल रहा है, जीवन लगातार बदल रहा है, हर दिन के साथ एक नया दिन उदय हो रहा है। इसलिए आपको समय समय पर ये देखने की जरूरत है कि क्या आपकी पुरानी आदतें और विश्वास अभी भी आपके काम आ रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मनन कीजिएगा और खुद में बदलाव लाते रहिएगा। या यूं मान लीजिए कि अपने आप को गाड़ी, फोन या कंप्यूटर की तरह अपग्रेड करते रहिएगा। ये दिलचस्प सफर अब अपनी मंजिल के करीब पहुँचने को है दोस्तों, लेकिन हमारी बातचीत का सिलसिला अभी कुछ देर और चलेगा, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये एक अहम सवाल है। आदतें हमें बनाती हैं या हम आदतों को बनाते हैं? और इसका जवाब भी इसी सवाल में छिपा है, क्योंकि हम आदतें बनाते हैं इसीलिए आदतें हमें बनाती हैं। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि हम अच्छी आदतें बनाएं ताकि वो आदतें हमें अच्छा बना सके। अब तक हमने जाना अच्छी आदतों का विकास करने के बारे में, और साथ ही हमने जाने बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ आसान और अचूक उपाय। इस बहुत ही सराहनीय और दिलचस्प किताब के सार में, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, इसे लिखा है दुनिया के बहुत ही जाने माने और लीडिंग एक्सपर्ट जेम्स क्लियर ने, और विश्व भर में ये किताब बहुत लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ पल्लवी, और एक बार फिर बात करते हैं कुछ बेहद सरल और प्रैक्टिकल तरीकों से अपने जीवन में अच्छी आदतों के लिए जगह बनाने की और बुरी आदतों को छोड़ने की। ये सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें पूरे जीवन पथ को प्रगति की ओर ले जाने के लिए छोटे बड़े टिप्स दिए गए हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, और थोड़ा सा ही सही पर हर दिन बेहतर बने, इस किताब में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। मुझे यकीन है कि अपनी आदतों को सुधारने के लिए आपको इससे अधिक कारगर किताब नहीं मिलेगी। हम सभी अपने जीवन में नित नई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन जरूरी है उनके अनुभव से सही सीख लेना और उसे अपनी रोज की जिंदगी में अमल करना। जो बदलाव अक्सर बहुत छोटे मालूम होते हैं ना, उनका भी नियमित पालन करके आप बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम हासिल कर सकते हैं। अब हर इंसान तो रातों रात सफलता नहीं पा सकता है ना। हाँ, कई लोग ऐसा करने में भी सफल होते हैं, पर वो विरले ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि अच्छी आदतों और व्यवहार बनाने